सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं वैभव, लेके आ चुका हूं एक और बार आपके लिए एक गुड न्यूज़। राय का बाग जोधपुर से लेकर मेहता रोड तक के सेक्शन के बीच में, या फिर यूं बोलो तो जोधपुर बीकानेर सेक्शन के बीच में इलेक्ट्रिक ट्रेनों से रिलेटेड। उस खबर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट किया जाता है, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन लिया जाता है, स्पीड ट्रायल लिया जाता है इलेक्ट्रिक इंजन को दौड़ा के। उसके बाद वहाँ सवारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक इंजन देने से पहले मालगाड़ी को इलेक्ट्रिक इंजन पे चलाया जाता है, लोड टेस्टिंग वहाँ की जाती है। जब हमारा अलवर बांदीकुई जयपुर वाला सेक्शन जब इलेक्ट्रिफाइड हुआ था, तब वहाँ पे भी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी, जिसको डायरेक्ट रेल मंत्री जी ने आगे हरी झंडी दिखाई थी, जो कि थी जयपुर की पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी। उसी प्रकार अब जो है जोधपुर से लेकर मेरता रोड के बीच में पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी चलाई गई है, जिसकी वीडियो DRM जोधपुर के ट्विटर अकाउंट पर डाली गई है। ये जो मालगाड़ी है, ये आप देख सकते हो राय का बाग से निकलती हुई नजर आ रही है, जिसमें हमारे भगत की कोठी का ही, जी हाँ, भगत की कोठी का इलेक्ट्रिक इंजन WAG 9 लगा हुआ है। तो मेरता रोड से बीकानेर तक ऑलरेडी मालगाड़ी इलेक्ट्रिक इंजन में चला के देख ली गई थी, और अब जो है मेरता रोड से लेकर जोधपुर के बीच में भी मालगाड़ी चला के देख ली गई है इलेक्ट्रिक इंजन के साथ। तो यहाँ आपने देखा कैसे एक मालगाड़ी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ निकल रही है राय का बाग से, और इलेक्ट्रिक इंजन भी है भगत की कोठी का ही WAG 9 लोकोमोटिव। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे पहली मालगाड़ी चला के देख ली गई है इलेक्ट्रिक इंजन से, और अब तो शायद ये बात मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है कि जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि अब कभी भी जो है रेलवे से इस चीज़ का नोटिफिकेशन आ सकता है, नोटिस आ सकता है, या फिर हो सकता है बिना नोटिस के भी रेलवे अचानक यहाँ पे किसी भी ट्रेन को पहली बार बीकानेर से जोधपुर के बीच में इलेक्ट्रिक इंजन दे दे, जैसे कि सूर्य नगरी और जोधपुर वलसाड़ को दिया था मारवाड़ से जोधपुर के बीच में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन। बाकी बस थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी मिलती है, जिसको कौन सी गाड़ी होती है जिसको पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन दिया जाएगा। बाकी मेरी तरफ से वीडियो थी इतना ही। वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके पास जोधपुर से रिलेटेड 2 साल से सारी इलेक्ट्रिफिकेशन की वीडियोज आती रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट्स आती रही है, और अभी भी आती रहेगी। आगे डेगाना मकराना वाला जो सेक्शन है, मकराना से आगे जो सेक्शन है फुलेरा, मकराना से फुलेरा की इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग अपडेट्स मेरे चैनल पर आती रहेगी। बाकी ये वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।